एक्चुअली क्या है, इसको मम्मी पूरा लीप देगी यहाँ पे, उसके बाद आज बनेगा बिल्कुल चूल्हे पे खाना तगड़े तरीके से। चप्पल हटावे चूल्हे पे चप्पल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो यार आज सुबह की जो मॉर्निंग है, हम उत्तराखंड में स्टार्ट कर रहे हैं आज का व्लॉग। क्या फीलिंग आ रही है, सामने देखो पूरे पहाड़ और पहाड़ों के यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है कोहरा तगड़ा वाला। तो यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, तो मैंने कहा इसी के साथ यहीं पे आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ओए जो फीलिंग आ रही है ना, मज़ा आ रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है सामने इतने पहाड़ों को देख के। तो आने वाले भाई व्लॉग्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। तो गाइज यार अभी हम रुके हैं, ये घट्टी मछोड़ बोलते हैं यहाँ पे, इधर रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। इसके आगे फिर डायरेक्ट, क्योंकि इंदर भाई को थोड़ी सी नींद भी लग रही, इतनी देर से भाई सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, तो रुके हुए हैं। और यहाँ से नज़ारे देखो भाई, पेड़ तो गाइज अभी चल रही है हमारी भाई फुल ऑफ रोडिंग, तो यहीं पे है भाई असली ड्राइवरों का टेस्ट। तो अभी क्योंकि ये पक्की नहीं हो रही, रोड पूरी की पूरी कच्ची है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। अरे ये आ ही गया हमारा, ये रहा गांव, ये पूरा गांव है। अब यहाँ पे आगे गाड़ी रोकेंगे हम। तो गाइज यार पहुँच गए हैं चलो फाइनली, तो अभी उठाते हैं सामान, थोड़ी सामान निकाल रहे हैं। तो गाइज क्या कहते हैं, सामान तो सारा ऊपर रख दिया, बस ये लास्ट रह रहा है। और भैया अभी गाड़ी बैक करके लगा रहे हैं। ये होती है भाई असली ट्रेनिंग। मास्टर आदमी है, लगा देंगे भाई वो। हम लोग भी भाई क्या कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं सोए गाड़ी में, तो नहा धो के फटाफट से सोता हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट करता हूँ, क्योंकि जो आज वीडियो डलनी है वो लेट ही डल पाएगी एडिट नहीं करके। तो गाइस क्या कहते हैं यार, अब नहाने के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने और अंकित ने ये पूरा साफ किया। हाँ दे रहा हूँ, रुक जा। ये पूरा अंदर वाला कमरा हमारा पूरा चमकाया, अब क्या कहते हैं उधर थोड़ा बहुत रह रहा है तो मम्मी कर रही है, तो इतना भी पूरा चमकाया है। तो फटाफट से यार अब नहाता हूँ, पूरा पसीना पसीना और का है, और उसके बाद अभी वीडियो भी एडिट करनी है, वीडियो एडिट नहीं कर रखी है। और ये अभी ऐसी पड़ा है, मतलब बहुत कुछ रह रहा है काम बाकी, तो अभी फटाफट से नहा के आता हूँ, फिर वीडियो एडिट करता हूँ, अपलोड भी करता हूँ यार। तो गाइज यार फाइनली क्या कहते हैं, वीडियो अपलोड हो गई है, और इतना टाइम लगा वीडियो अपलोड होने में, 1 बजे से लगा के छोड़ रखी थी मैंने वीडियो, लेकिन अभी 3 बज गए, 3 बजे जाके वीडियो अपलोड हुई है। तो यार गांव में मतलब फिर भी नेटवर्क वगैरह इतने नहीं आ रहे जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि बोला था जियो के तगड़े चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना 2 घंटे लग गए अपलोड होने में, और टाइम लग गया यार। तो मतलब देखना पड़ेगा, शायद अब टाइम टेबल कुछ फिक्स नहीं रहेगा कि 9-10 बजे के बीच में आए, लेट भी हो सकती है वीडियो अपलोड होने। लगे पड़े हैं गपशप में ताई पापा मम्मी, क्या बातचीत हो रही है हैं? और ताई जी और सुनाओ क्या हो रहे हैं तुम्हारे, नहीं ताजी क्या बात है, अंग्रेज जैसे गोरफनार दिख रहे हो तुम तो हैं? अंग्रेज जैसे लग रहे हो तुम तो। ताऊ जी को देखो 4 घंटे से सो रहे हैं भाई लगातार कंटिन्यू, नींद नहीं आ रही, 4 घंटे से सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, वो सोते नहीं दिन में, 11 साल हो गए वो नहीं सोया, 11 साल नहीं हो गए तुम्हें, तभी कहूँ अभी भी आंखें नहीं खुली उनकी, ये अभी भी नींद में चल रहे हो, ये दल्लाक मारते हुए चल रहे नींद में। और गाइस ये देखो क्या मौसम हो गया है यहाँ पे अभी इस टाइम पे, और अभी 3:30 हो रहे हैं, मतलब 3:30-4 के बीच में टाइम हो रहा है, अभी देखो मौसम क्या हो गया। एक्चुअली क्या है हमारे गांव में, मतलब दिन के टाइम पे मतलब मान के चलो 9-10 बजे से धूप आ जाती है, और 2 बजे तक खतरनाक वाली रहती है, लेकिन उसके बाद हवा चलना शुरू और तगड़ा मौसम हो जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है, क्या हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है। तो वही इंदर भाई अपना गांव दिखा रहे हैं यहाँ से, हमारे इधर से दिखता है इनका गांव। हाँ
वो स्कूल है सामने, हाँ हाँ वो दिख रहा है, वो रहा उसके बीच में छोटा और मकान है, हाँ हाँ ऊपर नहीं, हाँ ये पहला और बड़ा वाला, हाँ हाँ उसके ऊपर छोटा सा हल्का सा वाइट, उसके ठीक सामने दिख रहा गांव, हाँ हाँ ठीक सामने उधर, हाँ वो गांव उसके उधर तुम्हारा है, हाँ अच्छा अच्छा उधर वो छोटा सा दिख रहा है, हल्के छोटे, हाँ छोटे छोटे दिख रहे हैं वो हमारे दो बड़े और है, हाँ हाँ और उसके सामने व्हाइट है, उसके सामने व्हाइट है, नहीं हाँ हाँ उधर उधर दो दो, हाँ 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 समझ गया, दिख गया वहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, अच्छा तुम्हारा तो यहीं से दिख रहा गाँव। तो गाइस अभी अब जा रहे हैं भाई इंदर भाई को थोड़ा छोड़ने, क्योंकि इंदर भाई निकल रहे हैं घर को, तो पूरी गैंग लेके जा रहे हैं साथ में मारने जाना। चलो गाँव में मतलब अलग ही मजा आता भाई चलने में, देखो क्या हरियाली और के चारों तरफ है। मैडी मैडी को यार मैडी की याद आ गई इसको देख के यार, मैडी मम्मी क्या कर रही है, बना रही। ओ मम्मी भाई अब चूल्हा बना रही है, आज रात का जो खाना है भाई चूल्हे पे बनेगा है, अच्छा बाहर बनेगा आज, चल सही है दिल्ली में खा खा के पक गए उसमें क्या गैस में खा खा के पक गए वैसे भी खाना, अब सही है चूल्हे का खाना खाएंगे, चूल्हे की रोटी खाएंगे गांव में आके, फर्क ही क्या रह जाएगा वरना गांव और शहर में। तो भाई मम्मी क्या कहते हैं अभी हमारी गोबर गूंद रही है, गोबर खाना नहीं एक्चुअली गैस को मम्मी पूरा लीप देगी यहाँ पे, उसके बाद आज बनेगा बिल्कुल चूल्हे पे खाना तगड़े तरीके से, चप्पल हटावे चूल्हे पे चप्पल तो नहीं लेके जाते, वाह ताजा ताजा आम ले लो, ये बड़े हैं यार बहुत। तो गाइज मम्मी और ताई ने यहाँ पे रोटियाँ बनाना शुरू कर दी चूल्हे की, तो देख लो भाई आज जो है प्योर बिल्कुल पहाड़ों में जैसे खाना बनता है खाया जाता है, प्योर चूल्हे का खाना मिलेगा आज खाने को। हाँ वो ऊपर से क्या कहना चाह, हुक्का गांव वाली ताई वाला स्वैग। तो भाई चूल्हे की रोटी में जो मज़ा है ना वो गैस की रोटी में मज़ा नहीं आता गाइस, तो अभी हम मज़े से खाएंगे आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट हो रहा था, तब तक फ़ोन को चार्ज पे लगा देता हूँ, चार्ज नहीं है फ़ोन पे मेरे। तो गाइस यार अपना रात का तो यार डिनर वगैरह कर लिया, और आज इन्होंने भाई डिनर में मस्त चूल्हे की रोटी बनी हुई थी, और साथ में था भाई आज आलू और मूली की सब्जी, तब मतलब बहुत तगड़ी बना रखी थी पापा ने, बना रखी थी पापा ऐसे अच्छा खाना बनाते हैं। और दूसरा क्या भाई गांव में खाना बनाओ कैसा भी खाना बनाओ, क्योंकि गांव का जो पानी है बिल्कुल शुद्ध होता है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी है, और ऑर्गेनिक खाना होता है, तो इतना टेस्टी और खाता ना चूल्हे की रोटी और आलू तरी आलू और मूली की तरीदार सब्जी चूल्हे में, वही मज़ा आ गया, तो मस्त खा पी लिया। तो अब क्या कहते हैं यार इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट बाय।